नमस्कार फ्रेंड्स, दोस्तों आज फिर मैं DSSB 2019 का एक एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर लेकर के आप लोगों के समक्ष आया हूं। और देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। सूचना एक क्या है? तो दोस्तों, सूचना समाचार ज्ञान और तथ्यों का संप्रेषण है। और है ना, सूचना एक असंगठित आंकड़े हैं, लेकिन DSSB ने इसको पहला ऑप्शन माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी ट्रांजिस्टरों का प्रयोग करती है? तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर्स प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनफ्लिपनेट कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इनफ्लिप्ट UGC का कार्यक्रम है। आदेश की एकता का अर्थ होता है, तो अधीनस्थों को केवल एक ही वरिष्ठ अधिकारी से आदेश लेना आदेश की एकता है। मेमोरी इकाई का कार्य क्या है? तो यह आंकड़े, निर्देश, प्रसंस्कृत परिणामों को रखना। भारतीय पुस्तकालय एसोसिएशन की स्थापना, ILA की स्थापना हुई थी 1933 में। RRF का मुख्यालय कहाँ है, का लक्ष्य क्या है? मुख्यालय तो दोस्तों कलकत्ता में है, और इसका उद्देश्य देश में जन पुस्तकालय सेवाओं को बढ़ाना और सहयोग देना, अर्थात सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं के लिए ऐड देना। लैन का अर्थ होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक फ्रेंड्स, दिल्ली विश्वविद्यालय से भारत में पुस्तकालय विज्ञान में PhD प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो DB कृष्णा राव थे। और सेकंड PhD प्राप्त करने वाले कौन थे? पांडे SK शर्मा। एआर्ट लिस्ट का एक एसोसिएशन है, तो यह भारत में पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षकों का एक एसोसिएशन है। प्रतिक्रिया प्रणाली किस सेवा का भाग है? तो दोस्तों यह STI सेवा का भाग है। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1876 में हुई थी। प्रकाशन की सार्वभौम उपयुक्तता का एक कार्यक्रम है IFLA का। इंटरनेट पर फाइलों को स्थानांतरित करने में निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटोकॉल प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों ये FTP। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक स्रोत नहीं है सूचना का? तो दोस्तों पेटेंट क्या है? हमारा प्राइमरी सोर्स है, प्राथमिक स्रोत है, बाकी सब विश्वकोश, पाठ्य पुस्तक और सूचिकांक सेवाएँ द्वितीयक स्रोत हैं। कॉलन वर्गीकरण का विकसित पुस्तकालय वर्गीकरण की एक प्रणाली है डॉक्टर SR रंगनाथन। कॉलन वर्गीकरण डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा विकसित पुस्तकालय वर्गीकरण की एक प्रणाली है। मद्रास और तमिलनाडु में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम या जन पुस्तकालय अधिनियम सन 1948 में अधिनियमित हुआ था। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस USA का एक राष्ट्रीय पुस्तकालय है अमेरिका का। रक्षा अध्ययन से संबंधित सूचना DESIDOC द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। महाविद्यालय, विद्यालय और विश्वविद्यालय के पुस्तकालय शैक्षणिक पुस्तकालयों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है? तो दोस्तों गूगल, याहू और अल्टाविस्टा सभी हमारे सर्च इंजन हैं। डी ऑप्शन सही है। बर्न कन्वेंशन 1886 किससे संबंधित है? यह कॉपीराइट से संबंधित है। पुस्तकालय बनाना वास्तुशास्त्री और लाइब्रेरियन के बीच सहयोग का परिणाम होता है। पुस्तकालय स्वचालन लाइब्रेरी ऑटोमेशन के लिए आधारभूत आवश्यकताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो कंप्यूटर हार्डवेयर, पुस्तकालय सॉफ्टवेयर और वित्त, मतलब बजट भी होना जरूरी है। तो ये सभी होना जरूरी है, तभी हम जो है लाइब्रेरी ऑटोमेशन कर पाएंगे। कॉल संख्या में सामान्यतः वर्ग संख्या, पुस्तक संख्या और संकलन संख्या होती है। कलेक्शन है, कॉल नंबर में क्या क्या होता है? क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर।
ओपैक का अर्थ होता है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। आईएसएसएन अंक कितने, आईएसएसएन कितने अंकों का बना होता है, तो ये 8 अंकों का बना हुआ होता है। कैटलॉग कार्ड का साइज होता है 12.7 × 7.5 सेंटीमीटर, या इसने पहले ले लिया है चौड़ाई को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7.5 × 12.5 सेंटीमीटर या 5 इंच × 3 इंच। संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या हो कहलाता है, यह प्राप्तकर्ता कहलाता है। संप्रेषण का गणितीय सिद्धांत सेनन वियर द्वारा विकसित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद ICSSR द्वारा बनाया गया, तो नासा डोग। एक सुविधा जिसके माध्यम से संदेश विद्युतीय रूप में कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा भेजे जाते हैं उसको हम कहते हैं ईमेल। अक्षतिग्रस्त पुस्तकें जिनकी मरम्मत नहीं की जा सकती उन्हें पुस्तकालय से निकाल दिया जाता है, यह प्रक्रिया कहलाती है वीडिंग आउट, है ना, या विड्रॉ करना वहाँ से। इंटरनेट पर क्लाइंट सर्वर आधार पर हाइपर टेक्स्ट और मल्टीमीडिया की सूचना प्रणाली को हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। OCLC अर्थात ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर की स्थापना 1967 में हुई थी। मार्क टैग 250 है एडिशन से संबंधित था संस्करण क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तकालय का रखरखाव एवं परिचालन नहीं है, तो पुस्तक प्रदर्शनी इसका पार्ट नहीं है, किसका मेंटेनेंस सेक्शन का लाइब्रेरी में। एग्रिस कृषि और विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली है। एक द्विआधारी अंक सामान्यतः 0 और 1 के रूप में दर्शाया जाता है, बाइनरी डिजिट में क्या क्या होते हैं 0 और 1। कार्डेक्स पीरियोडिकल्स का दृश्य अभिलेख एवं मनोरक्षित करने के लिए होता है। मौखिक संप्रेषण में मौखिक संप्रेषण ही कहलाता है। फेसबुक क्या है, तो दोस्तों आप तो फेसबुक चलाते हैं, सबको पता है फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है या सेवा। ई बुक पुस्तकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है, तो दोस्तों इसके बारे में पुस्तक का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण जो ग्राहकों को डिजिटल प्रारूप में दिया जाता है उसको हम ई बुक्स कहते हैं। लिप्सिस सॉफ्टवेयर लिप्सिस कॉरपोरेशन के द्वारा विकसित किया गया है। इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर है। इंफॉर्मेशन शब्द लैटिन भाषा से आता है। भाषा बाधा को अनुवाद सेवा के द्वारा पार किया जा सकता है, जो भी बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन है ना, या लैंग्वेज कम्युनिकेशन जो होता है हम ट्रांसलेशन करके, जो मान लीजिए हमको अंग्रेजी नहीं आती तो उसका अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद करते हैं तो हम इंफॉर्मेशन पा सकते हैं, तो ये भाषाई बाधा दूर हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है, तो उत्क्रम माप इससे संबंधित नहीं है। प्राप्तकर्ता प्रेषण और चैनल ये तीनों जो है कम्युनिकेशन मेथड हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय अनुरक्षण विभाग का कार्य नहीं है, तो पुस्तकालय सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना अनुरक्षण या मेंटेनेंस विभाग का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से किसे संप्रेषण के औपचारिक चैनल माना जा सकता है, तो दोस्तों पुस्तकें पीरियोडिकल और सम्मेलन कार्यवाही ये औपचारिक साधन है संप्रेषण के। हाइपर टेक्स्ट किसके द्वारा दिया गया था, तो ये टेड नेल्सन के द्वारा दिया गया है। एक निश्चित समय अवधि में संस्थाओं के आंकलित राजस्व और व्यय का विवरण क्या कहलाता है, हमारा बजट कहलाता है। आइसलिक की स्थापना कब हुई थी, आइसलिक की स्थापना दोस्तों 1955 में हुई थी। सार्वभौम ग्रंथ प्रक नियंत्रण UBC किसका कार्यक्रम है, तो ये इफला का कार्यक्रम है। उद्देश्यपूर्ण प्रबंधन की संकल्पना पीटर ड्रेगर के द्वारा प्रतिपादित की गई थी।
एमलिब साइंस, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी और इन्फॉर्मेशन साइंस आरंभ करने वाला देश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया था। शास्त्रीय विद्यालय का पिता किसको कहा जाता है? तो हेनरी फ्योल को शास्त्रीय विद्यालय है ना, स्कूल ऑफ क्लासिकल का फादर कहा जाता है, या क्लासिकल थ्योरी भी कई जगह लिखा जाता है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय के कार्य के घंटों पर जोर देता है? तो प्रथम नियम जो है इस पर जोर देता है। डगलस मैकग्रेगर को सिद्धांत एक्स और वाई के लिए जाना जाता है। बड़ौदा राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन से जुड़े व्यक्ति हैं? महाराजा सयाजीराव गायकवाड़। पुस्तकों को सुपुर्दगी की अधिनियम भारत में सन 1954 में पारित किया गया था। न्यूनतम कीमत पर अधिकतम संख्या में सर्वोत्तम पठन किसे कहा जाता है? तो ये मेलविल डिवी को कहा जाता है। इंडियन बुक्स इन प्रिंट एक व्यापारिक ग्रंथ परक है। आंकड़ों का फैलाव और वितरण का दृश्य प्रस्तुतिकरण कहलाता हमारा आयत चित्र। निम्नलिखित में से कौन सा छोटा मेटा सर्च इंजन है? तो डॉग पॉल जो है मेटा सर्च इंजन है। इंस्पेक्ट डेटाबेस को अवतरित किया गया है भौतिक और यांत्रिकी के लिए है ना, इंजीनियरिंग और फिजिक्स के लिए खास तौर से तैयार किया गया है। एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो एसली विशेष पुस्तकालय कहाँ का है? तो दोस्तों यह यूएसए का पुस्तकालय संघ है। वह सेवा जो आधारभूत रुचि के उनके क्षेत्र के वर्तमान साहित्य से प्रयोगता को सूचित और अद्यतन रखती है, यह कहलाती है हमारी सामयिक जागरूकता सेवा CAS करंट अवेयरनेस सर्विस। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक पुरानी और बड़ी एसोसिएशन है? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन विश्व की सबसे पुरानी और बड़ी एसोसिएशन है और इसकी स्थापना 1876 में हुई थी। पॉल आउटलेट और हेनरी ला फाउंटेन की जो है किसका सहयोग किया था, इनकी किसकी स्थापना में? तो FID की स्थापना में इनका सहयोग रहा है। नए अनुसंधान तकनीकों और उपकरणों का विवरण देने के लिए मूल वैज्ञानिक दस्तावेज को हम प्राथमिक स्रोत कहते हैं। एक प्रकाशन जो वार्षिक रूप से कथनात्मक सांख्यिकी डायरेक्टरी के रूप में अद्यतन सूचना के उद्देश्य से जारी किया जाता है, तो उसको हम ईयरबुक कहते हैं। भारत में नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स क्या है? दृष्टांत डेटाबेस है। डीवी दशमलव वर्गीकरण में पहली बार 1876 में प्रकाशित किया गया था। शब्द कैटलॉग के नियम 1876 में किसके द्वारा प्रकाशित किए गए थे? तो ये सी.ए. कट्टर के द्वारा। रूल फॉर डिक्शनरी कैटलॉग 1876 में पब्लिश किए गए थे। अलमारी सूची के उद्देश्यों को प्रयोग किया जाती है भंडार सत्यापन के लिए। ब्राउनी चार्जिंग प्रणाली किसने शुरू की थी? तो ये नीना ई. ब्राउन ने शुरू की थी। इंडेस्ट क्या है दोस्तों? इंडेस्ट एक पुस्तकालय संकाय है, कंसोर्टियम कहते हैं इंग्लिश में। विषय कैटालॉग एक विषय प्रविष्टियों का कैटालॉग होता है। निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? दोस्तों प्रिंटर इनपुट डिवाइस नहीं है, ये क्या है हमारी आउटपुट डिवाइस कहलाती है। संदर्भ सेवा एक निजी तरीके से एक पाठक और उसके बीच दस्तावेजों के सही सामग्री स्थापित करने की प्रक्रिया है, ये कथन किसका? ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन का कथन है। पुस्तकालय प्रदर्शनी विस्तारण सेवा एक्सटेंशन सर्विस का एक रूप मानी जाती है। एक सुपरिभाषित कार्य विवरण के साथ स्थितियों में सही बैठाने के लिए एक संगठन के लोगों को भर्ती करना कार्य में लगाना कहलाता है, या कार्य में लगाना भर्ती करना कहलाता है। कर्नाटक में जन पुस्तकालय अधिनियम को सन 1965 में पारित किया गया था। संदर्भ सेवा में सही पाठक चुनने में पाठक की सहायता करना होता है। संदर्भ सेवा में क्या करते हैं? सही पुस्तक को सही पाठक तक पहुंचाने की सहायता करते हैं। लेक्सिकॉन किससे संदर्भित है? तो यह शब्दकोश से संबंध है।
और लेक्सोग्राफर किसको कहते हैं, जो डिक्शनरी को बनाता है या एडिट करता है, उसको हम लेक्सोग्राफर कहते हैं, लेक्सिकोग्राफर। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ क्या हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक रूप में भंडारित दस्तावेजों का संकलन इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज कहलाता है। सूचना की आवश्यकता, इसे पहचानने की योजना, आवश्यक सूचना का पता लगाने और मूल्यांकन करने तथा प्रभावी रूप से प्रयोग करने की योग्यता कहलाती है सूचना साक्षरता, इन्फॉर्मेशन लिटरेसी। आंकड़ा प्रसंस्करण के लिए कंप्यूटर प्रणाली प्रयुक्त निर्देशों का एक समुच्चय या कार्यक्रम क्या कहलाता है? हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है। एक सुपरिभाषित कार्य विवरण के साथ स्थितियों में सही बैठाने के लिए संगठन के कार्यों में लगाना भर्ती कहलाता है। निमोनिक्स का अर्थ होता है याद रखना। तो निमोनिक्स डिवाइस क्या है? ऐसी डिवाइस जो आसानी से याद रखी जाए। इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट विश्व भर में फैला नेटवर्कों का नेटवर्क है। यूडीसी में अंकन किस प्रकार का है? तो दोस्तों यूडीसी में मिश्रित अंकन का प्रयोग किया गया है, और डीडीसी में शुद्ध अंकन का प्रयोग किया गया है, और कोलन क्लासिफिकेशन में भी हमारा मिश्रित अंकन का प्रयोग किया गया है। एक फायरवॉल क्या है? तो असुरक्षित क्षेत्रों से पहुँच के अनुरोधों को अस्वीकृत करता है। सूचना खोज के संदर्भ में एंड और नॉट क्या है? तो दोस्तों ये खोज में परिचारक बुलियन ऑपरेटर्स हैं, और जॉर्ज बुले ने इनको बनाया था, इसलिए जॉर्ज बुले के नाम पे ही इनको बुलियन ऑपरेटर्स कहते हैं। संक्षेपक कार पोस्ट कोर में पी किसको प्रस्तुत करता है? तो प्लानिंग को करता है, पी फॉर प्लानिंग है ना। एक पुस्तकालय बजट इसकी परवाह नहीं करता कि पूर्व में क्या हुआ था और वर्तमान गतिविधियों पर जोर देता है, तो वह बजट प्रणाली कहलाती है शून्य आधारित बजट। कौन से ISBN के भाग नहीं है? तो लिंग अंक जो है इसका भाग नहीं है। ISBN के समूह पहचानकर्ता, जांच अंक, प्रकाशन उपसर्ग, ये तीनों ISBN के पार्ट हैं। निम्नलिखित में से कौन से पुस्तक चयन के उपकरण हैं? तो दोस्तों प्रकाशक कैटलॉग यानी के पब्लिशर कैटलॉग, और जो पुस्तक विक्रेता की सूची है, और राष्ट्रीय सूची, बिब्लियोग्राफी, इन सभी से हम पुस्तक चयन कर सकते हैं। तो ये टूल ऑफ बुक सिलेक्शन है। डाइकोटोमी का अर्थ होता है दो में विभाजन, और दोस्तों एक होता है दस में विभाजन, वो कहलाता है हमारा डाइकोटोमी। और इसी के साथ में आंसर शीट दी है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, लाइक और शेयर करते रहिए। जहाँ कोई क्वेश्चन की मिस्टेक्स लगती हो तो उसको प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में डिस्कस करेंगे। और आप सभी को नमस्कार। और फ्रेंड्स, इसका जो है लिंक दिया है मैंने टेलीग्राम चैनल से मेरे, आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं PDF।